और मुझे इस बाइक का एक ड्रॉबैक लगा वो है इसकी ब्रेकिंग। रियर में आपको जो है 130mm की यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है, अगर इसमें डिस्क ब्रेक दी जाती या डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन दिया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N150। तो आज मैं करने वाला हूँ उसका एक डिटेल रिव्यू कि अगर आप एक 150cc की बाइक देख रहे हैं तो ये आपके लिए कैसी रहने वाली है, इसमें आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, माइलेज क्या देगी, आपको सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है या परचेज़ करना है तो आप एक बार JPS बजाज ज़रूर विजिट करें। शोरूम की डिटेल जो है आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइक के फ्रंट साइड से N150 का आप डिज़ाइन देखेंगे तो N160 से एकदम सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। थोड़े बहुत चेंजेस है लेकिन वो उतना पता नहीं चलते हैं। तो आपको काफ़ी यहाँ पे स्पोर्टी सा लुक मिलता है, यूथ को जो है वो ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए लोग जो है वो N160 को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और अब N150 को भी आई होप करेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो नंबर प्लेट माउंट करने का मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको फुली LED की यहाँ पे हेडलाइट मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पे LED का प्रोजेक्टर लैम्प मिलता है जिसका थ्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है और रात में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको LED के DRLs मिल जाते हैं। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि अगेन देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंडिकेटर्स पे आते हैं तो उसमें आपको हाइलोजन बल्ब के इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये अगर फ्लेक्सिबल है लेकिन थोड़े मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो लूज़ लग रही है, थोड़ी और बेटर इसकी बिल्ड क्वालिटी हो सकती थी। फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको सस्पेंशन पे एक गार्ड भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट मेडगार्ड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है वो स्टिकर देखने को मिल जाता है और काफ़ी स्पोर्टी सा यहाँ पे मेडगार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो है वो सिंगल चैनल ABS मिलता है 260mm की, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और अगर टायर साइज़ की बात करें तो 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है और 17 इंचज के इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है वो N160 से थोड़ा अलग है, थोड़ा अच्छा लगता है ये, और यहाँ पर आपको स्टिकर भी देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं फ्यूल टैंक पे, तो फ्यूल टैंक जो है वो बाइक में काफ़ी आपको स्पोर्टी मिलता है, काफ़ी मस्कुलर सा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है 14 लीटर्स की और यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 की यहाँ पे आपको स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ बात लगती है, वो है यहाँ पे इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, तो ऑन द गो जो है वो बाइक से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, काफ़ी यूटिलिटी आपकी इस चीज़ से बढ़ जाएगी और उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी सॉलिड है तो इतनी जल्दी इसमें पानी नहीं जाने वाला है। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैंक शॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी मिल जाते हैं। पल्सर की यहाँ पे आपको 3D में बैजिंग मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है और साइड में भी आपको जो है वो ग्राफिक्स ओवरऑल देखने को मिल जाते हैं। बाइक के इंजन पे आते हैं तो इसमें आपको 149.68cc का एयर कूल इंजन मिलता है और ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 14.3 BHP की 8500 RPM पे और मैक्स टॉर्क इसमें आपको मिलता है 13.5 Nm का 6000 RPM पे। बाकी अगर माइलेज बताऊँ मैं इसका तो अराउंड जो है वो 45 से 48 KMPL तक का माइलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसको आराम से राइड करेंगे हो सकता है 50 तक भी माइलेज दे दे और अगर आप थोड़ा अग्रेसिव राइड करेंगे तो हो सकता है 45 से भी कम हो जाए, तो माइलेज जो है वो आपकी राइड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको जो है वो इंजन कॉल मिल जाता है जिसका डिज़ाइन जो है अगेन काफ़ी स्पोर्टी है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती थी। इसमें आपको जो है वो किक स्टार्ट भी देखने को मिलता है तो ये अच्छी चीज़ है और काफ़ी लोगों की जो है वो नीड भी रहती है कि आप बाइक में किक स्टार्ट उनको चाहिए रहता है। यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश भी देखने को मिल जाती है जो अगेन थोड़ा प्रीमियम लगती है और स्टाइलिश भी जो है वो काफ़ी लगती है। राइडर और पिलियन दोनों के लिए इसमें आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं जिसकी क्वालिटी जो है वो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है और इसमें आपको जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो मैं आपको बताऊं तो उसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है जिससे इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी स्पोर्टी है और बाइक जो है वो देखने में काफ़ी प्रोपोर्शन में लगती है और काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहती है क्योंकि इसमें आपको जो है वो एग्जॉस्ट अंडर बेली मिलता है। इससे इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो कम होता है लेकिन उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अराउंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 160 या 165mm का मिलता है, तो इंडियन रोड के हिसाब से जो है उतना ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और मुझे इस बाइक का एक ड्रॉबैक लगा वो है इसकी ब्रेकिंग। रियर में आपको जो है 130mm की यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है, अगर इसमें डिस्क ब्रेक दी जाती या डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन दिया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता, तो ये चीज़ मुझे जो है वो इस बाइक में पसंद नहीं आई है। और अगर टायर साइज़ की बात करें तो 120x80 सेक्शन का आपको रियर में टायर मिलता है 17 इंचेस के, इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टायर हगर भी देखने को मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल जो है वो काफ़ी सॉलिड है। रियर पे आते हैं तो टेल सेक्शन से भी देखेंगे तो आपको वही पल्सर की सिग्नेचर टेल लाइट मिल जाती है जो कि LED की आती है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नंबर प्लेट माउंट करने का आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको N150 की बैजिंग मिलती है जो कि ग्राफिक्स के साथ आती है और अगेन देखने में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। ग्रैब हैंडल जो है वो इसमें आपको स्प्लिट टाइप का तो नहीं मिलता है, नॉर्मल सा ग्रैब हैंडल है। अगर स्प्लिट टाइप का दिया जाता तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता, बाकी ये भी ग्रैब करने में जो है वो काफ़ी अच्छा है। सीट पर आते हैं बाइक की तो सीट जो है वो इसमें आपको काफ़ी लंबी मिल जाती है, सिंगल सीट इसमें आती है तो राइडर पिलियन दोनों ही आराम से बैठ सकते हैं। राइडर के लिए भी जगह आपको काफ़ी मिल जाती है और पिलियन के लिए भी जगह काफ़ी मिल जाती है आपको। और अगर इसमें आपको मम्मी या मतलब कोई लेडीज़ बैठानी है तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, काफ़ी कम्फर्टेबल होगी, यहाँ पर कोई भी लेडीज़ बैठ सकती है। और इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है जो कि सेफ्टी को देखते हुए काफ़ी अच्छा फीचर है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और गियर जो है वो बाइक के काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मैंने बाइक को राइड करा है तो मुझे गियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगे बाइक के। बाकी अगर आप ओन करते हैं N150 तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको गियर बाइक के कैसे लगे, फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, स्मूथ है या नहीं स्मूथ है, जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब दिखा देते हैं बाइक की चाबी कैसी है। तो उसमें आपको जो है वो नॉर्मल की देखने को मिलती है, वेव की जो है वो N160 में आती है, इसमें आपको नॉर्मल की ही देखने को मिलती है। और इसका इग्निशन ओपन करते हैं तो उसमें आपको जो है वो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे RPM मीटर मिलता है और जब आप बाइक को राइड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा फील देने वाला है। बाकी कुछ लोग को जो है वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद आता है, लेकिन मुझे भाई जब तक कि ये सुई ऊपर ना चढ़े और थ्रॉटल पे मज़ा नहीं आता है उतना बाइक को राइड करते हुए, तो मुझे ये मीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आपको जो है वो छोटी सी डिस्प्ले मिलती है, इसमें आपको गियर इंडिकेटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू, यहाँ पे माइलेज, डिस्टेंस टू MT वगैरह जो है ये बाइक सब दिखा देती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक इसमें सारी आती है। और टेल्टेल लैंप्स की बात करें तो ABS की लाइट, यहाँ पे RPM लिमिटर की लाइट, इंजन मेलफंक्शन की लाइट, लो बैटरी इंडिकेटर, हाई बीम की लाइट, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। हैंडल बार पे आते हैं तो इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको जिग जैग वाला यहाँ पे हैंडल मिल जाता है जो कि अच्छा लगता है देखने पर। और जब इस पर बैठेंगे तो ना ही ज़्यादा स्पोर्टी इसका राइडिंग पोजिशन बनता है और ना ही एकदम आपको स्प्लेंडर वाला फील नहीं कराने वाली है, तो उसके बीच में इसका राइडिंग पोजिशन बनता है जो कि अगेन आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्विच मिलते हैं, इंजन किल स्विच मिलता है, नीचे आपको स्टार्ट का स्विच मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम का स्विच, यहाँ पे पास का स्विच, टर्न सिग्नल का स्विच और नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। और ये स्विच जो है वो बैक लाइट के साथ आते हैं तो जब आप बाइक को रात में राइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, काफ़ी प्रीमियम फील कराने वाली है ये बाइक। यहाँ पे आपको हैंडल बार भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यही था बजाज पल्सर N150 का डिटेल रिव्यू, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर इस बाइक का प्राइस बताएं आपको तो 1,18,514 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है लखनऊ उत्तर प्रदेश का। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपका इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप कन्फ्यूज आपको कौन सी बाइक या स्कूटर परचेस करनी चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम भी बात कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।